तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, तो आपको तो पता ही है कि आज वेडनेसडे है और हमारा हर वेडनेसडे होता है वेब न्यूज डे। तो सुबह सुबह ह्यू जैकमैन वाली खुशखबरी तो मिल ही गई होगी, लेकिन ठहरो बे, अपन के पास बहुत सारा माल है आज। अपनी एलिजाबेथ ऑल्सन की नई मूवी को लेकर, वांडा के रिटर्न को लेकर, ह्यू सीजन 4 की अपडेट से लेकर बहुत सारी न्यूज है आज। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को वेब न्यूज डे लाता रहता हूँ और उसके बीच में ऑसम कॉन्टेंट तो मिलते ही रहते हैं तुम्हें। तो खंजर और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बिना क्लिक बैट किए सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज कवर कर लेते हैं। तो जो लौंडे रात के 3-3 बजे गर्लफ्रेंड से चैट करते रहते हैं, उन्हें उनकी मोहब्बत मिले ना मिले, लेकिन एक धमाकेदार अपडेट रात में जरूर मिल गया। अपने डेडपूल यानी कि रियान रेनॉल्ड्स ने ये कंफर्म कर दिया कि डेडपूल 3 में वो ह्यू जैकमैन को वापस ला रहे हैं। और कसम से इस न्यूज ने पॉप कल्चर के सन्नाटे को सुनामी में बदल दिया। मतलब किसने सोचा था कि लोगन मूवी की इतनी परफेक्ट एंडिंग के बाद ह्यू जैकमैन सर वापस रिटर्न करेंगे। लेकिन भाई साहब, मानना पड़ेगा रियान रेनॉल्ड्स को, ये बंदा 2016 से पीछे पड़ा है ह्यू जैकमैन को वापस लाने के लिए। और रियान ने डेडपूल 3 की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी, जो कि है 9 सितंबर 2024। लेकिन मेरे दोस्त, अब सवाल ये आता है कि ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन क्या सिर्फ डेडपूल 3 के लिए हैं, या फिर अगले साल आने वाली सीक्रेट वार्स में भी वो दिखाई देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे फुल लेंथ वीडियो बनाऊं, तो फटाक से कमेंट में #WeWantLoganBack कमेंट कर दो। तो रियान की इस धमाका न्यूज को रीट्वीट करते हुए जॉन क्रिसेंस्की ने लिखा कि वेट, इज दिस आवर मूवी। और अगर आपको नहीं पता कि जॉन क्रिसेंस्की कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही एक्टर है जिन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड के कैरेक्टर को प्ले किया है। ससुरा, समझ में नहीं आ रहा, चल क्या रहा है बे? तो इसी न्यूज पे रिएक्ट करते हुए डेडपूल 3 के डायरेक्टर शॉन लेवी ने ये बोला कि वो कब से इस बारे में अपना मुंह खोलना चाहते थे, लेकिन अच्छा हुआ कि स्ट्रेंजर थिंग्स की वजह से उन्होंने अपने आप पर संयम रख लिया। और अगर आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि डेडपूल 3 के डायरेक्टर स्ट्रेंजर थिंग्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डिलीटेड सीन को लेकर। तो इस मूवी में कामरताज में वांडा की फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीन को प्रोडक्शन से ही हटा दिया गया। बाकी तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताओ। तो अपन लोग की अगली न्यूज है वापस से एलिजाबेथ ऑल्सन को लेकर। तो रिसेंटली अपनी लिजी ने ये कंफर्म किया है कि वो एक नई सीक्रेट मूवी पे काम कर रही है एक सीक्रेट डायरेक्टर के साथ। उन्होंने बताया कि जल्दी ही वो इस सीक्रेट से पर्दा हटा देंगी। मैं तो कहता हूँ ओल्ड बॉय जैसी किसी मूवी में काम करो लिजी जी, कसम से मजा आ जाएगा। तो अपन लोग का अगला अपडेट है डिज्नी प्लस के शो वेयरवुल्फ बाय नाइट को लेकर। तो इस शो के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये अब तक के मार्वल स्टूडियोज का ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो सबसे ज्यादा वायलेंट है। मगर ससुरों ने एक काम गलत कर दिया है कि इस शो को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, जिससे इसके खून खराबे और ब्रूटलनेस को उतने अच्छे तरीके से फैंस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सेम यही बकलोली उन्होंने इटर्नस मूवी के साथ की थी, जहां पे रेड ब्लड की जगह ग्रीन ब्लड दिखा दिया था। खैर आने दो शो को, देखते हैं वे कितना ब्रूटल है। तो अपन लोग की अगली न्यूज है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को लेकर। तो इस मूवी में नेमर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर टेनोच ह्यूएटा ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो इस मूवी में एक म्यूटेंट हैं। का बात है, बहुत म्यूटेंट्स आ रहे हैं एक तरफ से, लगे हाथ एक म्यूटेंट मूवी बना दो फिर। तो इसके बाद अगला अपडेट भी है वकांडा फॉरएवर मूवी से ही, जहां पे इस मूवी का फाइनल रन टाइम कंफर्म कर दिया गया है, जो कि है 2 hours 41 minutes का। और सूरी के भी कुछ न्यू स्टिल्स सामने आए हैं, तो अब तो मुझे लग रहा है भाई पक्का हो गया है कि सूरी ही न्यू ब्लैक पैंथर होगी। साथ ही साथ वेयरवुल्फ बाय नाइट का रन टाइम भी कंफर्म हो गया है, जो कि है 52 minutes 37 seconds का। अब इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट करोगे या खून खराबा दिखाओगे, भगवान जाने। इसी के साथ ही मैट शैकमैन की फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए भी कास्टिंग स्टार्ट हो गई है, और आप ऐसा कंफर्म तो नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि अपना यू का जोए गोल्डबर्ग, सॉरी पेन बेजली, शायद से मिस्टर फैंटास्टिक का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो अपन लोग का अगला अपडेट है वांडा के कैरेक्टर के रिटर्न को लेकर। तो वैरायटी के एक इंटरव्यू में केविन फाइगी ने ये बोला कि हर ट्रू फेट इज स्टिल अननोन। ससुरा, पूरे मल्टीवर्स के फेट की ऐसी तैसी कह दी, अब कौन सा फेट बचा है भाई इसका। खैर वांडा के वापस आने पे इसको खुशी नहीं होगी, और अपन ने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो भी बना दिया है, तो अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो इसके बाद अपन लोग की अगली न्यूज है मार्वल की गेम्स को लेकर, जो कि ये बताया जा रहा है कि अब वो साइज से इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे। उनका स्टेटमेंट है कि गेमिंग वर्ल्ड पूरा अमेजिंग है और मल्टीवर्स को भी सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हर किसी को पूरी फ्रीडम है उनकी स्टोरी एकदम बढ़िया तरीके से बताने की। और एक ही यूनिवर्स में स्टोरी बताने का नुकसान ये रहता है कि लोग पूछने लग जाते हैं कि अभी जब कैप्टन अमेरिका पेला जा रहा था तो
आयरन मैन की धरता। तो अपन लोग की अगली अपडेट है प्रॉप स्टोर के ऑक्शन को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉप कल्चर और सुपर हीरो मटेरियल ऑक्शन में जाने वाला है। जैसे यहाँ पर क्रिस्टोफर रीव की कंप्लीट सुपरमैन कॉस्ट्यूम की बोली लगाई जाएगी, स्टार वार्स के डार्थ वेडर्स की ग्लव की बोली लगाई जाएगी। तो अगर तुम पे पैसा है, तुम अमीर हो, तो जाओ ऑक्शन में जो समझ में आए खरीद लेना। तो अपन लोग की अगली न्यूज है अवतार की री रिलीज को लेकर। तो रिलीज के इतने सालों बाद भी ये मूवी आग मूत रही है। अभी हाल ही में रिलीज हुई डोंट वरी डार्लिंग को पीछे करके इसने $30 मिलियन कमा लिए बे। तो कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, अवतार वे ऑफ वाटर इसी तरह रिकॉर्ड्स के झंडे गाड़ पाएगी। इसी के साथ ही अपन लोग का अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स की दो सीरीज को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलाइट के। तो इसका season 6 जो है वो November 18 को नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा। तो अगर तुम थोड़े अतरंगी मिजाज के हो तो तुम्हें ये सीरीज पसंद आएगी, हालांकि मुझे तो नहीं है। पर इसके बाद जो न्यूज है भाई साहब, उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वो न्यूज है यू season 4 को लेकर। तो इस बार इसका season 4 दो पार्ट में रिलीज होगा। पहला पार्ट रिलीज होगा 10 फरवरी को और दूसरा पार्ट रिलीज होगा 10 मार्च को। इसी के साथ ही इसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज हुआ है, जिसे आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। तो गाइस ये थी इस हफ्ते की वेब न्यूज डे। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।